हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना रेलवे टिकट अपना घर बैठे बैठे कैसे बुक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपना रेलवे टिकट जाकर काउंटर पे बुक कर पाते हैं, जिस हिसाब से बहुत लंबे लाइन लगा रहना पड़ता है, ऊपर से अपना मन मर्जी सीट भी नहीं मिलता, कोई भी सीट दे देता है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप अपना मर्जी से अपना सीट कैसे बुक कर सकते हैं, अपना रेलवे टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप होता है, आप कोई भी अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इक्जी को आप IRCTC का अपना ऐप कोई भी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ऑफर चल रहा है गोवा वीवो में, इसलिए मैं आपको गोवा वीवो का दिखा देता हूँ। इधर आपको 100 रुपया तक का बच सकता है पर कोई भी रेलवे टिकट में। तो अब आप सबसे पहले ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में लिखा होगा IRCTC ट्रेंस, उधर को क्लिक कर लीजिए। उधर क्लिक करने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे उस स्टेशन का नाम उधर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको नीचे में लिखा होगा सिलेक्ट ट्रेन। अगर आपको कोई भी ट्रेन के बारे में आपको पता है कि आप उसी ट्रेन से जाएंगे, उसका ट्रेन नंबर पता होगा, तो आपको उधर पे क्लिक करके आपको ट्रेन का नाम या नंबर उधर पे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको उधर ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद नीचे में आपको डेट दे दीजिए। डेट डालने के बाद कौन सा दिन जाएंगे, डेट डालने के बाद उधर सर्च मार लीजिए। सर्च मारने के बाद आप देख सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, कौन सा ट्रेन का टाइमिंग सब आपको देखने मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से ट्रेन टाइमिंग मिला लीजिए। उसके बाद आप साइड में देख सकते हैं कौन सा सीट में अवेलेबल है, कौन सा ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, सब दिया हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर में 3M है, थर्ड सीटर में आपको अवेलेबल है टिकट। अगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप वेटिंग लिस्ट बुक ना करें, क्योंकि अगर आपका वेटिंग लिस्ट कन्फर्म ना हुआ तो आपको ट्रेन में ट्रेवल करने नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले चेक कर लीजिए टिकट अवेलेबल है कि नहीं, उस हिसाब से आप टिकट बुक कीजिए। तो आप देख सकते हैं इधर स्लीपर में अवेलेबल है 8 और इधर थर्ड टायर में सब में अवेलेबल नहीं है। RLW वेटिंग लिस्ट 1 है। RLW बहुत कम चांस होता है कि बुक कन्फर्म होने का। GNWL सबसे ज़्यादा चांस होता है कन्फर्म होने का। अगर आपको GNWL 2, 3, 4, 5 ऐसे वेटिंग लिस्ट मिले तो आप उसको बुक कर लीजिए, वो बहुत चांस ज़्यादा होता है कन्फर्म होने का। लेकिन आपको अगर ज़्यादा GNWL ज़्यादा मिले, 190 ऐसे मिले, तो आप उसको बुक ना करें, क्योंकि बहुत कम चांस होता है वो कन्फर्म होने का। तो आपको कोई कन्फर्म टिकट बुक करके दिखा देता हूँ मैं आपको ये वाला टिकट, इस ट्रेन का टिकट आपको बुक करके दिखा देता हूँ। और अभी आपका इस पेज में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि अपने ट्रेवलर को ऐड करना, कौन कौन ट्रेवल कर रहा है उस सबका नाम उधर आपको ऐड करना है। उसके ऐड ट्रेवलर करके आप इधर मिस्टर, मिसेस, फीमेल, मेल है सब आपको देना है। आपका नाम जो कि अपना गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा होगा उसी नाम देना है, नहीं तो आपको फिर फाइन का सबका हो सकता है, फाइन ले ले TT या फिर ट्रेवल करने ना दे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं इंश्योरेंस, पैसेंजर इंश्योरेंस, उसको आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद अपना बोर्डिंग स्टेशन, कौन सा स्टेशन से आप ट्रेन में आएंगे, उस स्टेशन का आपको चेंज करना है तो आप एडिट में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में अपना ईमेल और फ़ोन नंबर दे के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका ईमेल जो है उस ईमेल में आपको टिकट आएगा। और इधर पर आप देख सकते हैं अपना पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो कि टाइमिंग होता है 10 मिनट्स का टाइम होता है आपका पेमेंट का। आप देख सकते हैं जो गोवा वीवो का कैश था 50 रुपीज़ वो ऐड हो रहा है। मेरे पास पहले 50 रुपीज़ ही है, इसलिए 50 रुपीज़ ऐड हो रहा है। आपके पास अगर 100 रुपया होगा तो 100 रुपया आपको अगर ऐड हो जाएगा। आप अगर नीचे वाला लिंक से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के साथ साथ आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। तो आप उधर से जगह डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। और अभी इधर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है IRCTC का पासवर्ड और यूज़र नेम। आपको कोई भी रेलवे टिकट बुक करने से पहले आपको अपना यूज़र नेम, IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको रहना जरूरी है, जो कि आपको अगर आपको नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दूंगा इसके लिए आप कैसे बना सकते हैं आप इसको, उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट डाल दूंगा और इस वीडियो का पीछे में भी आपको मिल जाएगा, उधर से आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको IRCTC का पासवर्ड अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपको IRCTC का पासवर्ड डालने के बाद ही आपको टिकट सेंड करेगा अपने ईमेल में। तो IRCTC का पासवर्ड और यूज़र नेम जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं रिमेंबर कर देता हूँ। और अभी इधर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर आप इधर को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको पेमेंट का, आप कोई भी जगह से आप पेमेंट कर दीजिए तो आपका रेलवे टिकट आपको मिल जाएगा। आपको पेमेंट करने के बाद अगर आपने IRCTC का पासवर्ड याद नहीं है, भूल गया और आपको वो टिकट नहीं मिलेगा, और जब आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपका हो जाएगा, वो पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर आपको रिफंड हो जाएगा। और अभी मैं बात करूँ गिवावे की, जो कि पेटीएम गिवावे 40 रुपीज़ का गिवावे कर रहा हूँ। उसके लिए आपका अगर पेटीएम हो तो आपका अपने पेटीएम नंबर नीचे में कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।